ये रोड्स होते हुए जाना पड़ेगा कि आप लोग ये रोड्स पे ज्यादा स्पीड नहीं चल सकते। अब उस तरफ खाई है, इस तरफ भी खाई है और मैं इसके पूरा बीच में खड़ा हूँ। हम लोग अभी सालोजा होटल से निकल गए हैं। वी आर ऑल सेट टू गो फॉर कालिम्पोंग। ये है हमारा स्टे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, नीचे है पार्किंग। सो द प्रॉपर्टी वाज गुड बट हम लोग ने गलती किया था नॉन एसी रूम पे रुके। एक्सपीरियंस वाज पैथेटिक मैन ऑन द रोड। ओह माय गॉड, गुड मूड इज गुड, लुकिंग फॉर द न्यू डे माउंटेन्स दैट जर्नी विल बी। नहीं है, Close both the doors. अभी हम लोग सेवक रोड पकड़ चुके हैं। यहाँ से पानी टंकी होते हुए हम लोग जो मेन रोड है जो गैंगटॉक और कालिम्पोंग के तरफ जाती है तीस्ता रिवर से होते हुए वो रोड पकड़ेंगे। जो मैं होटल से पूछताछ कर रहा था और मेरे को पता चला कि यहाँ से और आधे घंटे का ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि हम लोग को सिटी क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मिलेगा हिली रोड्स। घाट्स में से होते हुए जाएंगे, जो रियल एडवेंचर है वो आज से शुरू हो जाएगा। 44 किलोमीटर कालिम्पोंग, 54 किलोमीटर गैंगटॉक, 104 किलोमीटर रियल एडवेंचर अभी शुरू हो चुका है। ये देखो, हमें ये रोड्स होते हुए जाना पड़ेगा कि मैप में देखो कि आप लोग ये रोड्स पे ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकते। अभी वो महसूस हो रहा है कि यस, हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकते, चलना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग नए हैं पहाड़ों में और ये गाड़ी भी थोड़ा बड़ा है इसलिए संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ा जाम लगा हुआ है, शायद से एक लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुआ था, उसका रिस्टोरेशन चल रहा है। ब्रिज कुछ टूट गया था शायद, उसका रिस्टोरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत कंजेशन वाला रोड है। अभी हम लोग रुके हैं तीस्ता डैम में। तीस्ता डैम का लोअर डिवीजन है ये, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। हम लोग अभी भी वेस्ट बंगाल में है। तीस्ता रिवर जो कि शुरू होती है सिक्किम से और उसके ऊपर से भी आती है। तो ये जो पानी देख रहे हैं आप लोग, ये बहाव बहुत तेज़ है, पहाड़ी नदी है और ये है तीस्ता डैम। बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन अभी हम अगर नीचे जाएंगे वापस आने का थोड़ा रिस्क रहेगा। आप लोग जब सेवोक से ऊपर की तरफ जाओगे तो तीस्ता लोअर डैम के नीचे आने के लिए आप लोगों को ऐसा एक रास्ता मिलेगा जो खुफिया रास्ता है, सबको पता नहीं रहता है। और हम लोग अभी आ चुके हैं पूरा नीचे। मेरे को ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पूरा पत्थर वत्थर है, संभल के चलना पड़ रहा है।
संभल के चलना पड़ता है। अभी हम लोग पानी के पास जाएंगे, वो जो ग्रीनिश वाटर है उसको थोड़ा देखेंगे, फोटोशूट वगैरह करेंगे। ये जो तीस्ता डैम का लोअर डिवीजन है, हम लोग इसके पूरा बेड तक आए। यहाँ पे देख सकते हो ठीक पानी के किनारे खड़ा हूँ, और वहाँ पीछे मेरा है जो पानी का बहाव तेज है क्योंकि वो डैम एरिया है। टाइम अभी हो रहा है सुबह के 9 बजे। हम लोगों को निकले हुए 1 घंटा के आसपास हो चुका है क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुक के व्लॉगिंग कर रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी चलो निकलते हैं, शुरू करते हैं अभी कालिम्पोंग की तरफ। देखो उस तरफ खाई है, इस तरफ भी खाई है, और मैं इसके पूरा बीच में खड़ा हूँ। वहाँ जाएंगे तो धसने का कुछ चांसेस है, इसलिए नहीं यार यहाँ से नहीं आसन जाए सेट पड़ जाए आसन ऐसे नहीं आसन बड़ी बात खा लो ओला नहीं बैठी खा लो टॉप की ना पड़ी जाए टॉपा टॉप ही। तो अगर आप लोग टैक्सी लेके आओगे ना, टैक्सी वाला आपको यहाँ पे रोकेगा नहीं। और मैं अभी हम लोग अपना पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी ऑप्शन है, मैगी वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं, ये देखो ये डैम में भी खुलेगा, ये नदी का बेड है, ये नदी अंदर हम लोग हैं। अभी जो चट्टान पत्थर आप लोग देख सकते हैं, ये सब नदी ही है। पानी बहुत ठंडा है, बढ़िया सा एक्सपीरियंस था, हम लोग ने अच्छा खासा फोटोशूट भी किया। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं क्योंकि हम लोग को और कवर करना है 40 किलोमीटर्स के आसपास कवर करना है ये हिल रोड्स पे। मैगी खाई पर जोरदार जल जी सम्बी देखा बड़े पहाड़ों की मैगी पर एंजॉय करी खाऊ जी। हमारे राइट साइड में है तीस्ता रिवर जो कि पूरा देखो कितना ग्रीनिश है। और यहाँ पे देखो ट्रैफिक तो रहेगा क्योंकि ये घाट वाला रोड से सामने एक बाइकर भी जा रहा है अपना, और तुम्हें बहुत दुख हो रहा है उसको बोलना पड़ेगा उसका बैग थोड़ा ज्यादा ही इस तरफ आ गया है। ये पूरा एज रहा है फाइनली। अभी हम लोग कालिम्पोंग एंटर कर रहे हैं। नीचे जो रोड जाती है वो जाती है गैंगटोक, ये वाला रोड कालिम्पोंग की तरफ जाती है। थोड़ा कंजेशन है क्योंकि यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा नैरो रोड से। हम लोग अभी कालिम्पोंग वाला रोड पकड़ चुके हैं, यहाँ से है और 20 किलोमीटर्स, और ये पूरा अप हिल्स है। अभी हम लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ओवरटेक करना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ के जो फ्रीक्वेंट ड्राइवर्स हैं वो लोग तो ओवरटेक के मास्टर होते हैं, तो उनसे बच के भी चलना पड़ेगा। Employees on mountains. It is not right. Like we have to do it today or something like that, right? Pre-prod and reality. Once we create in pre-prod. कालिम्पोंग एंटर कर रहे हैं, सिटी भी ये हिल्स पे ही है। आज का स्टे जहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज के लिए, सो वो यहाँ से है और 4 किलोमीटर हम लोग को लगने वाला है 10 मिनट। तो जो भीड़ भरकम वाला रोड था वो गैंगटोक बाईपास तक था, उसके बाद ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिला है, और ये पूरा अपहिल्स 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 होते हुए जा रहा है। हम लोग को इससे भी और ऊपर जाना है, जो जगह हम लोग ने शॉर्टलिस्ट किए हैं देखने के लिए।
रास्ते का हालत आप लोग देख सकते हो, ये एक डेडलीस्ट एडवेंचर है ये बोल सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हिल्स पे, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, मेरा तो पूरा एड्रेनलिन रश हो रहा है। फील और बोधी आपको कैसा लग रहा है? हम लोग निकले थे 8 बजे, अभी टाइम हो रहा है 11 बजे, एकदम जस्टिफाइड टाइमिंग है। हम लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि हम रुके थे, बीच में रुके थे 45 मिनट्स के आसपास, हम लोग ने ब्रेक ले लिया था तीस्ता डैम के पास। आप लोग टैक्सी लेके आते हो सिलीगुड़ी से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही 300-350 रुपये पर हेड लगेंगे। आप अगर शेयरिंग में रहे हो तो वो लोग भी आपको वही 2.5 आवर्स 3 आवर्स के 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँचा देंगे कालिम्पोंग। कालिम्पोंग मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, तो वहाँ पर क्या कुछ करने का हम लोग का प्लान है वो सब अभी तक डिसाइडेड नहीं है, फिर आइटिनरी कुछ प्लान नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे चेक इन करेंगे, और लेकिन होटल का जो डिस्टेंस है वो दिखा रहा है 1.7 किलोमीटर्स, हम लोग को 6 मिनट लगने वाला है, ये भी अप हिल्स है। सुमित उठी कटी पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट। होटल ऐसे पहुंच ही गलो, व्यू की जेम्ती हो जेम होटल में। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गंगटोक ये सब जगह में पार्किंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए अभी आपने देखा कैसा रास्ता है अंदर आने के लिए, और हमने गाड़ी भी पार्क कर दिया है। चलिए चलते हैं, चेक इन करते हैं। अभी हम आके फाइनली चेक इन कर चुके हैं सुमित में, और ये जो रूम मिला है, रूम का टूर मैंने आपको दिया, आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करना पड़ता है। एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा ये होटल के बारे में, अब ये प्रॉपर्टी या फिर मेफेयर वगैरह अगर बुक करोगे तो आपको एक अच्छा पार्किंग स्पेस मिलेगा, जो कि आप लोग ने देखा एक गाड़ी रखने लायक अच्छा खासा पार्किंग भी इनके पास है। और रही बात प्राइस की, प्राइस में वही 4,800 के आसपास कुछ पड़ा पर डे, सॉरी पर नाइट। सो आज का अभी जो प्लान है, अभी हम लोगों को आसपास में कहीं घूमना है, कल हम लोग जाएंगे स्टेशंस लाइक लावा, लामाहट्टा, वो सब हमें जाना है। यहाँ पर रोड्स का कंडीशन भी थोड़ा पूछताछ करेंगे, उसके बाद उस तरफ निकलेंगे। अगर आप सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग के तरफ आना चाहते हैं, आपको रफली मैंने एक हल्का फुल्का आइडिया दे दिया कि ट्रैवल का कैसा प्लान होना चाहिए, कितना टाइम लगता है और क्या कुछ आप कर सकते हैं ऑन द रूट। अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हो, टैक्सी से आ रहे हो तो वो अलग बात है, वो आपको बहुत सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। टेम्परेचर यहाँ पे प्लीजेंट है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। अभी रात को वही 17-18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, यहाँ पे एसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता लाइक गैंगटॉक। सो कालिम्पोंग में एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। अभी हम लोग साइट सीइंग के लिए निकलेंगे, यहाँ पे आके एक लोचा हो गया एक्चुअली, अगर आप लोगों को कार लेके घूमना है कालिम्पोंग में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको टू व्हीलर रेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर टैक्सी में घूमना पड़ेगा। तो हम लोग अपना कार को यहाँ पे पार्किंग करके होटल में हम लोग टू व्हीलर रेंट किए हैं, एक हिमालयन और एक डियो हम लोग रेंट किए हैं 2 दिन के लिए, उसमें पूरा एक्सप्लोर करेंगे कालिम्पोंग एंटायर जो जो डेस्टिनेशन हमें कवर करना है। सो ये वीडियो को हम लोग और स्ट्रेच नहीं करते हैं, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसा था। अगर आप लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा है डेफिनेटली लाइक करके जाइए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी तरीके से भी हेल्प किया डेफिनेटली वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू रियली एंजॉय दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।